लॉकडाउन के बाद पटना के पब्लिक प्लेसेस में कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। ऐसा लग रहा है पब्लिक को कि पता नहीं कब दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा और वो कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपको सेम लगे तो बताना। और मेरे जो पटना के सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जाने गए होंगे मैं कहाँ हूँ। जो नई हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैं अभी पटना के फेमस गांधी मैदान में हूँ। गांधी मैदान बहुत ही पुराना और पटना का सबसे बड़ा खाली फील्ड जो कि पब्लिक यूज़ के लिए है, 1823 से पटना में है। और अलग अलग समय पर इस फील्ड को अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। जब अंग्रेज़ थे तो वो यहाँ गोल्फ खेला करते थे और हॉर्स रेसिंग करवाया करते थे। आज़ादी के समय पे चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई सरकारी आंदोलनों का हिस्सा रहा यह गांधी मैदान। और आज यहाँ पर मेले लगते हैं और सरकारी रैलियाँ होती हैं। और जब यहाँ कुछ नहीं होता तो लोग यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के फिज़िकल की तैयारियाँ किया करते हैं। वैसे कुछ खास मेंटेन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जब से ये गांधी जी की मूर्ति यहाँ पर बनी है उसके बाद से इस गांधी मैदान की शोभा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। और 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के दिन बिहार में झंडा यहीं फहराया जाता है जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर फहराते हैं। 60 एकड़ में फैले हुए इस गांधी मैदान की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी लोकेशन। बिल्कुल पटना के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द पटना, ये गांधी मैदान स्थित है, जिसकी एक तरफ सेंट जेवियर स्कूल और SBI का LHO, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उस साइड पटना का नया ज्ञान भवन है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में गांधी संग्रहालय जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, और इस तरफ हमारे पीछे उद्योग भवन है, और यहाँ विश्वकुमार भवन को तो आप जानते ही होंगे जो आपको पीछे दिख रहा है। तो इस जगह की जो लोकेशन है वो अपने आप में इतनी इम्पॉर्टेंट है जो इस जगह को ख़ास बनाती है, और यही कारण है कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ आती है। वैसे लोग नॉर्मली यहाँ जॉगिंग वॉकिंग के लिए आते हैं, और बच्चे यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने आते हैं, और जिन एग्ज़ाम्स के फिज़िकल होते हैं वो उसकी तैयारी करने आते हैं। बाकी टाइम मोस्टली ये गांधी मैदान खाली ही रहता है। कुछ लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं और मेरे जैसे लोग ब्लॉगिंग के लिए भी आ जाते हैं। और मेरे पीछे जो आप गांधी जी की मूर्ति देख रहे हैं वो अपने आप में ख़ास है। 72 फीट ऊंची मूर्ति की ये खासियत है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची गांधी जी की ब्रॉन्ज की मूर्ति है। तो आपको उसको पास से ले जाके दिखाएंगे कि इसमें क्या खास है, चलिए देखते हैं। ये मेरे पीछे बड़े बड़े बोस के स्पीकर्स जो लटके हुए देख रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे एक ओपन थिएटर का भी निर्माण किया गया था। उसमें फिल्में चली या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर कोरोना के वजह से ये बंद पड़ा है। और अभी यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन हुआ करता था जो कि अभी नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबली लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब देखते हैं कब शुरू होता है, शुरू होगा तो आपको आकर ज़रूर दिखाएंगे, और नहीं शुरू हुआ तो फिर इंतज़ार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Too bad.
जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने आपको चारों साइड से इस गांधी जी की मूर्ति की सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए, और मैंने भी ये गौर किया कि इसके चारों साइड में जो गांधी जी के जीवन के विशेष जो आंदोलन थे जिनके थ्रू उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और इस देश को आज़ादी दिलाई, उसकी एक छोटी छोटी झलक चारों साइड बनाई हुई है इस मूर्ति के। और क्योंकि और ये गांधी जी की मूर्ति है जो इस गांधी मैदान को एक अलग सा लुक देती है, और इसके चारों साइड घूमने और टहलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए एक पाथवे बना हुआ है जिस पर लोग बैठकर एक्सरसाइज करते हैं और टहलते भी हैं। बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स और बूढ़े लोग, हर एज के लोग यहाँ आते हैं एक्सरसाइज करने। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट गांधी मैदान। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि एक इस पर वीडियो बना दूँ, जो लोग यहाँ के हैं वो तो इसे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इस गांधी जी की मूर्ति के चारों साइड छोटे छोटे, एक्चुअली बहुत बड़े बड़े चबूतरे बने हुए हैं बैठने के लिए, और उसमें बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं जो कि गांधी जी की मूर्ति पे फोकस रखी गई हैं, जो और रात में जब ये लाइट्स जलती होंगी तो इस गांधी जी की मूर्ति को एक अलग ही लुक देती होंगी। तो आई होप कि रात में यहाँ का लुक बहुत अच्छा आता होगा, और दिन में तो अच्छा आ ही रहा है। ये हैं वो लाइट्स, और ये मेरे पीछे गांधी जी की मूर्ति। एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नीतीश जी की गवर्नमेंट, उसमें पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। रोड्स और हाईवेज, फ्लाईओवर्स तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कई पार्क्स खोले गए हैं, और जो पुराने पार्क्स थे जैसे कि ये गांधी मैदान एक हो गया, इनको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है और रेनोवेट भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जो कि बहुत खस्ता हालत में थे उनको बहुत अच्छा रंग रूप देकर बहुत अच्छा एक माहौल बनाया गया है, जहाँ की लोग आएँ, शाम में बैठ सकें, हैंग आउट कर सकें, और जिन्हें एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज कर सकें। आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ शाम और सुबह में लड़कों के साथ लड़कियाँ भी आती हैं एक्सरसाइज करने, जो कि इस जगह को एक सेफ्टी वाली फीलिंग देता है कि अगर यहाँ लड़कियाँ आ रही हैं तो वो जगह ज़रूर सेफ होगी। तो पटना का माहौल बदलने में इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है, और मैं इस चीज़ के लिए इस गवर्नमेंट को थम्स अप देना चाहूँगा। ये था आज का एक छोटा सा शॉर्ट सा एंड सिंपल सा व्लॉग। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देखने में तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी छोटे से प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।